बावरा ने किया शहर का नाम रोशन। स्वागत रैली निकाली, बेंच प्रेस में जीता अंतर्राष्ट्रीय पदक, ब्रॉन्ज गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन वुमेन्स बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान और कॉमनवेल्थ वुमेन्स बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2024 साउथ अफ्रीका की प्रतियोगिता में शिवपुरी की बेटी भावना शर्मा ने कांस्य और एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। भावना ने शिवपुरी सहित अपने देश का नाम रोशन किया है। आज भावना शिवपुरी पहुंची जहां उनका जोरदार स्वागत किया। भावना को कार में बैठा कर रैली निकाली गई। इस दौरान शहर में कई स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एक कांस्य और एक गोल्ड मेडल किया अपने नाम। बता दें कि एशियन वुमेन्स इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2024 में 22 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक किर्गिस्तान में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होकर भावना शर्मा ने अपनी श्रेणी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करती हुई कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद भावना ने 4 से 9 अक्टूबर 2024 तक साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ बेंच प्रेस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कर सीनियर ओपन वर्ग 84+ कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। शिवपुरी जिले की पोहरी में पदस्थ सब रेंजर नवल किशोर शर्मा की बेटी भावना शर्मा ने वन विद्यालय शिवपुरी की जिम में तैयारी की। इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में प्रथम आने पर भावना शर्मा का चयन नेशनल इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप के लिए उनका चयन हुआ। ये प्रतियोगिता 22 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, जिसमें भावना शर्मा ने 105 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यहां से उनका चयन एशियन वुमेन इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान के लिए हुआ। भावना ने किर्गिस्तान में 84 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके आधार पर उनका चयन कॉमनवेल्थ बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2024 में साउथ अफ्रीका के सन सिटी के लिए हुआ। वहां भावना ने गोल्ड मेडल हासिल। आपके द्वारा सम्मान किया गया, किनका जी सम्मान किया गया? हमारे द्वारा नहीं, हमारा सभी एक जय श्री राम ग्रुप का समस्त शिवरी की तरफ से सम्मान रखा गया था। अभी अपनी शिवरी की बेटी भावना शर्मा ने अभी जो कॉमनवेल्थ में 105 किलो में जो स्वर्ण पदक जीता है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था उनके भव्य स्वागत के लिए, तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उनका स्वागत किया गया। जय श्री राम। आपको किस तरह से ऐसा लग रहा है, आपके शहर में आपका स्वागत हो रहा है, किस तरह से आपका फील कर रहा है? देश में जो आपने नाम रोशन किया है, इसमें आप आगे बच्चियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी ये करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, मतलब ये अपनी फैमिली का नाम और अपने सपोर्ट। किस तरह से आपने तैयारी करी? मैंने ग्रोथ करने के लिए जिम ज्वाइन की थी और उस चक्कर में इस वजह से इसमें आ गई। इस उपलब्धि के लिए श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मम्मी पापा और कोच।